नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने ट्वीट कर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की बात कही और कैसे किया गया इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव की पहली फैक्ट 1, 19 अक्टूबर 2024 को एमवीए गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर वोटर सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमवीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य है। चुनाव आयोग ये भी बताया गया कि भाजपा हटाए जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटर को भी जोड़ रही है। एमवीए को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची से उसके लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। इंपैक्ट 1, लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक एमवीए के 3 मुख्य दलों के वोट 32.8 लाख घट गए। क्या यह संयोग है? फैक्ट 2, एमवीए ने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया था कि भाजपा वोटर सूची में बड़े पैमाने पर नए नाम भी जोड़ रही है। इंपैक्ट 2, लोकसभा चुनाव 2024 के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 37 लाख वोटर्स की वृद्धि हुई थी। चुनाव में भाजपा गठबंधन के 3 मुख्य दलों के वोट 67.7 लाख बढ़ गए। क्या ये मानना गलत होगा कि भाजपा के वोटों के इजाफे में 47 लाख नए वोटर्स का प्रमुख योगदान है? फैक्ट 3, भाजपा गठबंधन की जीत में लाड़की बहना योजना एक बड़ा कारण थी, जिसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 दिए जा रहे हैं। सर्वे में इस योजना के कारण महायुति के 2 से 3% वोट बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इंपैक्ट क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में कुल 630 लाख वोटरों ने मतदान किया। 3% प्रभाव का मतलब होता है करीब 20 लाख वोट। यदि कोई महायुति के 67.7 लाख वोटों की बढ़त से 47 लाख नए वोटर्स को हटा देता है तो बढ़त 20.7 लाख ही होती है। अद्भुत संयोग है। फैक्ट 4, अजीत पवार के एनसीपी को 58.1 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार की एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिले और 10 सीटें ही जीती। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की दोनों पार्टियों में 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से अजीत पवार की पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है? फन फैक्ट क्या है? कांग्रेस और शिवसेना के लोकसभा चुनाव के बनिस्पत विधानसभा चुनाव कुल 47.1 लाख वोट कम हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए नए वोटर की संख्या भी 47 लाख है। सप्पल का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के वोट ऐसे काटे गए और फर्जी वोट उतने ही जोड़े गए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ एमवीए ने 17 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। चुनाव के बाद अगले दिन वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से यही सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि शाम 5 बजे के अंतिम आंकड़ों और अगले दिन के आंकड़ों के बीच वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता है, क्या है ये? महाराष्ट्र में भी वही हुआ। 5 बजे परसेंटेज 55 थी और अगले दिन 13% की बढ़ोतरी हुई और 68% आंकड़ा बताया गया। इस पर एसवाई कुरैशी कहते हैं, हाँ, ये निश्चित रूप से मुझे चिंतित करता है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को सामने आकर बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि 24 से 48 घंटों में मतदान का प्रतिशत 5 से 10% तक बढ़ जाना कहीं से भी गले उतरने वाला नहीं है। अब अगर चुनाव आयोग खामोश है तो समझ लीजिए कि बड़े स्तर पर मतदाताओं और देश के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ये देशद्रोह से कम बड़ा अपराध नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाना चाहे शिवसेना उसका समर्थन करेगी। शिंदे ने साफ कर दिया कि उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि अगला सीएम कौन होगा इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बुधवार रात को नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के बीच एक अहम बैठक हुई। यह मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली।
केंद्रीय गृह नेतृत्व को महाराष्ट्र में गैर मराठा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मराठा समुदाय के नाराज होने की चिंता है। इसलिए इस बात पर चर्चा हुई है कि अगर राज्य में फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मराठा वोटों को किस तरह बरकरार रखा जाएगा। आज शाम को अमित शाह फिर से दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कार्यवाहक सीएम शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार तीनों मौजूद रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि शाह की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे से शुरू हुआ। लोकसभा में 11 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड से सांसद के रूप में शपथ ली। उनकी शपथ के कुछ देर बाद ही दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर तक के लिए फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को सत्र की शुरुआत के बाद से दोनों सदनों में बार बार स्थगन और विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्षी सांसद अडानी घूसकांड, संबल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा नहीं होने दी जा रही है। मोदी सरकार मणिपुर की तरह अडानी और संबल पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। ये तीसरे दिन भी साफ हो गया। 7 साल बाद सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापकों यानी प्रणय रॉय और राधिका रॉय को क्लीन चिट दे दी। उनका कहना है कि कहीं कोई धोखाधड़ी अपराध नहीं हुआ। इसके बाद साफ है कि मोदी सरकार उन्हें इतना परेशान करना चाहती थी कि वो थक हार कर एनडीटीवी अडानी को बेच दें। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें जेल भेजने की धमकियां भी दी गई हों। आखिरकार हुआ भी यही, अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। अब गोदी मीडिया के कुख्यात पत्रकार उसे अडानी के प्रचार प्रसार के लिए चला रहे हैं। अडानी की आपराधिक गतिविधियों पर पर्दा डालना इस चैनल समूह का मुख्य काम हो गया है। इसके लिए बहुत सारे पत्रकारों को यहां वहां से मोटी तनख्वाह में खरीद कर लाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने कहा है कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने न्यायपालिका के सारे दरवाजों पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इनके घर व दफ्तर पर सीबीआई छापे मारती रही, ईडीबी तलवारें पहनती रही। 22 दिनों तक सीबीआई ने इनसे पूछताछ का थका देने वाला, डरा देने वाला प्रहसन चलाया था। संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, ये दावा किया गया है। बता दें, देश भर में ऐसे करीब 3 लाख मामले बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह का कहना है कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के एक फैसले के बाद ऐसे मामलों का पिटारा खुल गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना आदेश था कि राम जन्मभूमि के अलावा अन्य मामलों पर रोक लगी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का कहना है कि अकल्पनीय है कि एक दिन अजमेर शरीफ दरगाह में कोई मंदिर तलाशेगा और अदालत उसकी इस धारणा पर आधारित याचिका को सुनवाई योग्य मानेगी। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने के दावे को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह 800 सालों से है। उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां बहुत कुछ बनवाया था। मुगल के बाद मराठा आए, उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में जब क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हौज बनवाया। नेहरू से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री बने वहां पर चादर चढ़वाते हैं। आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? आखिर बीजेपी और आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों को लेकर क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद वहां चादर भिजवाते हैं, वो क्या इस पर बोलेंगे? इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है, तो नरेंद्र मोदी सरकार क्या कहेगी कि वो दरगाह है या नहीं है? वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। कोर्ट आखिर इस कानून को क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? आप हर जगह जाकर बोलेंगे कि यहाँ मस्जिद या दरगाह नहीं थी तो कुछ और था, तो कोई मुसलमान जाकर ऐसे ही बयान दे दे, ये कहाँ जाकर रुकेगा? ऐसे में कानून का राज, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? हमने देखा संबल में हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई, यह हिंसा देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं वो देश, भाईचारा और कानून व्यवस्था के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद में शामिल लोगों का ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं। गौतम अडानी पर अमेरिकी रिपोर्ट में लगे आरोपों के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें छोटे मोटे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के अभियोग को स्वीकार करेंगे?
जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अडानी ने तो सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप किस दुनिया में रह रहे हो भाई, क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिका के इस अभियोग को मानेंगे। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह घूम क्यों रहे हैं। ये हमारी कही गई बातों की पुष्टि है कि प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन एमवीए पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे की एक बैठक में सेना यूबीटी के नेता 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर ये आग्रह किया है कि उद्धव को अब एमवीए छोड़ देना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि सेना यूबीटी का जमीन स्तर का कैडर जो विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे सेना की 57 सीटों की संख्या से पूरी तरह से प्रभावित था, एमबीए के प्रभावी होने पर अब सवाल उठा रहा है। बता दें उद्धव सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 20 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई है। आज झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण आज शाम 4 बजे होगा। इस मौके पर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा सकता है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश सरकार से देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करने का आग्रह किया है। बाइडेन और ट्रंप को अलग अलग पत्रों में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की हालिया गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। FIIDS के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें उनके मंदिरों पर हमले भी शामिल हैं। ट्रंप को लिखे पत्र में ट्रंप से उम्मीद जताई गई है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने इस्कॉन पर तुरंत बैन लगाने की बात कही है, मांग की है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए समर्थन का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक शीर्ष छात्र नेताओं की एक टिप्पणी उस दिन आई जब बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका स्वीकार कर ली। बता दें दास की गिरफ्तारी से भारत में भी हलचल पैदा हो रही है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। बांग्लादेश की सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में इस्कॉन को एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन बताया। बांग्लादेश की मीडिया ने बताया कि एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान से इस्कॉन के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा ये एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है, सरकार उसकी जांच कर रही है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से गुरुवार को सरकार के कदमों के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया है। याचिका में इस्कॉन को बांग्लादेश में प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। जामा मस्जिद सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा पर खूब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल भाजपा और योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ विपक्षी दल पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच अब आगरा से भाजपा सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल यहां तो बहुत बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेते हैं। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है जब उपद्रवी पुलिस पर वार करेगा तो पुलिस उसको गले थोड़ी लगाएगी। मणिपुर में कुछ दिन पहले एक परिवार के 6 सदस्यों के शव मिले थे। इन शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीने के एक बच्चे और एक महिला की आंखें गायब थी। एक 8 साल की बच्ची के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर के जिरीबाम जिले में मैती परिवार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के लोगों से शांत रहने की अपील की है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक कार के आधे अधूरे पुल के नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना है कि मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बरेली जा रहे थे और जब यह हादसा हुआ तब वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके भरोसे आगे बढ़ रहे थे। फिर क्या, पुल अभी पूरी तरह तैयार नहीं था और कार आगे जाकर सीधे नीचे गिर गई। इस मामले में गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस बीच गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि वो इस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। मौतों पर बढ़ते आक्रोश के बीच राज्य के लोक निर्माण विभाग ने अपनी प्रारंभिक जांच में 5 इंजीनियरों की ओर से लापरवाही पाए जाने का दावा किया है। मृतकों की पहचान अमित कुमार, विवेक कुमार और उनके चचेरे भाई नितिन कौशल के रूप में हुई है। ये आधा अधूरा पुल रामगंगा नदी पर बना है जो बदायूं के दातागंज को बरेली के फरीदपुर से जोड़ता है। नदी का मार्ग बदलना, परियोजना को बीच में ही छोड़ देना, लापरवाही और सरकारी उदासीनता, ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने 3 लोगों की मौत में भूमिका निभाई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।